कोट कासिम क्षेत्र के गांव लहाड़ो तथा मुंडावर क्षेत्र के गांव सिहाली कला गांव के बीच बनी में स्थित बाबा कुंदन दास के मंदिर में रात्रि को एक चोर मंदिर का गेट खोलकर अंदर घुसाया और मंदिर परिसर में रखी दान पेटी का ताला तोड़कर पेटी में रखी राशि को निकालने का प्रयास किया, लेकिन दान पेटी के अंदर एक अन्य सुरक्षा बॉक्स होने के कारण राशि नहीं ले जा सका। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। क्षेत्र के लोग मंदिर परिसर में इकट्ठा हुए और थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर खोजने का प्रयास कर दिया है। मेरा नाम ऋषि है और फिलहाल बाबा कुनंदास आश्रम सियाली कला पे हम खड़े हुए हैं और मैं यहाँ पे सेवक हूँ बाबा के आश्रम। शुक्रवार और शनिवार मध्यरात्रि की रात 12 बजे की घटना है, जो कि यहाँ पे लगे सीसीटीवी में मैंने खुद ने भी देखी है। उससे पता लगा हमको भी शनिवार को कि यहाँ पे जो इसका दान पात्र है महाराज जी का, उसके ताले के साथ छेड़छाड़ करके ताले को तोड़ा गया है। बस बाबा का ये शुक्रिया है कि इसमें लॉकर होने की वजह से दान पात्र बिल्कुल सुरक्षित है, अंदर का लॉक उसका नहीं खुल पाया, बाहर का ताला ही टूटा। ताला टूट गया था जी हाँ, बाहर का ताला टूट चुका है, जो कि सीसीटीवी में सारी घटना सीसीटीवी में कैद भी है। बाबा कुंदनदास मंदिर सियाली और शुक्रवार और शनिवार की रात्रि मध्यरात्रि यहाँ पर कुछ लोगों ने एंट्री करी मंदिर के अंदर और ये जो दान पात्र आप लोग देख रहे हो इसको तोड़ने की कोशिश की। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाएंगे, ये जो लॉक लगा हुआ है ये लॉक दूसरा लगाया हुआ है और यहाँ पर इस लॉक को उन्होंने तोड़ दिया था, लेकिन इसके अंदर एक और लॉक लगा हुआ था, एक पेटी अलग से रखी हुई है जिसके अंदर धनराशि इकट्ठी होती है दान की, तो उसकी वजह से यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि चोर जो है इस लॉक को तोड़ करके अपने साथ ले गए लेकिन राशि को नहीं ले जा पाए, ये बहुत अच्छी बात रही। एक बहुत बड़ा सवाल है कि मंदिरों में भी इस तरह के असामाजिक तत्वों की पहुँच हो गई है और वो मंदिर कुछ नहीं पकड़ रहे, तो बहुत बड़ा सवाल है आज प्रजातंत्र के लिए। मैं संजय बागड़ी, अलवर न्यूज़ के लिए।